हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बिलियरी कॉलिक। इसके नाम से पता चल रहा है बिलियरी कॉलिक। कॉलिक मतलब पेन हो रहा है। बिलियरी यानी जो भी बाइलरी सिस्टम है उसकी वजह से जो पेन हो रहा है उसको बोलते हैं बिलियरी कॉलिक। द कॉलिकी पेन विच अकर्स ड्यू टू कैलकुलस इन द सिस्टिक डक्ट और सीबीडी, या तो सिस्टिक डक्ट में या सीबीडी में। ठीक है, जैसे ये गॉल ब्लैडर है, ये इसकी जो डक्ट ही होती है सिस्टिक डक्ट, फिर ये ऊपर लीवर से आ रही है, फिर ये हो जाती है कॉमन बाइल डक्ट, ये होती है सीबीडी और ये है सिस्टिक डक्ट। तो या तो सिस्टिक डक्ट में स्टोन हो या सीबीडी में हो, इनमें स्टोन की वजह से, गॉल ब्लैडर में भी जैसे स्टोन हो, क्योंकि गॉल ब्लैडर से ही वो सिस्टिक डक्ट में जाएगा, तो जैसे इनमें स्टोन हो, यहां स्टोन होने की वजह से जब पेन हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम बिलियरी कॉलिक। ठीक है, और जो स्टोन है इसका कोई एग्जैक्ट कोई कॉज नहीं है, लेकिन 5F जो है, यानी इट इज मोर कॉमन इन द पेशेंट हु कम अंडर 5F। व्हाट इज 5F? दैट इज फीमेल, मतलब फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं। फैटी, जो फैटी है उनमें, फर्टाइल, 40 या 50 लिखते हैं, मतलब 40 to 50 ईयर ऑफ एज हो अगर कोई, एंड देन फ्लैटुलेंट। इन 5F के अंडर जो पेशेंट आते हैं उनमें ज्यादातर जो है वो ये स्टोन देखने को मिलता है, और स्टोन ही मेन कारण है बिलियरी कॉलिक का। ठीक है, फिर आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर पे। क्लिनिकल फीचर इसमें क्या होता है, सडन और इंटेंसिव पेन होता है। तो पेन कहाँ होगा, जैसे ये एब्डोमेन है, इसको आपको पता है हम 9 जो रीजन है उसमें डिवाइड करते हैं, सॉरी एक मिनट में दोबारा बनाती हूँ इसको। जो एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स है 9, इसमें ये है एपिगेस्ट्रियम हमारा। ठीक है, तो ये होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है और एपिगेस्ट्रियम है, इन दो में जो पेशेंट को सीवियर पेन होता है, इन दो क्वाड्रेंट्स में सीवियर पेन होगा, यहीं पे होता है, लेकिन कई बार जो है वो जो पीछे की तरफ से जाके इंट्रा स्कैपुलर रीजन है, जो स्कैपुला है दोनों उनके बीच का जो रीजन है, वहां तक भी ये रेडिएट होता है। ठीक है, तो इसके पेन की जो है वो रेडिएशन आप बता सकते हो कैसे होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल एपिगेस्ट्रियम में होता है, लेकिन इंट्रा स्कैपुलर रीजन तक भी रेडिएट हो सकता है। फिर इसमें पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी देखने को मिल सकता है, और इसमें एक साइन आता है मर्फीज साइन। इसमें क्या होगा, जैसे ही डॉक्टर एग्जामिनेशन करता है पेशेंट की, तो जब उसको इंस्पायर करने को बोलता है और उसके जो ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है इसको पल्पेट करता है, जैसे ही वो इंस्पायर करता है तो सडन कैच ऑन ब्रीथ, उसके फेस पे जैसे ही वो पल्पेट करेगा उसको सीवियर पेन होगा, तो कैच ऑन ब्रीदिंग जो वो दिखाई देता है उसके फेस पे। पेन का जो सिम्टम होता है, जैसे वो अपनी आंखों को बंद करेगा, पेन होगा उसको, तो वो पेशेंट के चेहरे पे दिखाई देता है ऑन इंस्पायरेशन। तो मर्फी साइन क्या है, सडन कैच ऑन ब्रीद ऑन इंस्पायरेशन। ठीक है, फिर आता है इसकी हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस यानी इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे हम, सीबीसी कराएंगे, ईएसआर कराएंगे, यूएसजी कराते हैं, कोलिसिस्टोग्राफी कराते हैं, सीटी स्कैन, इनसे ही पता चल जाता है। ठीक है, फिर आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है, इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है, क्योंकि जो मेन ट्रीटमेंट है वो सर्जरी होता है। स्टोन की वजह से पेन हो रहा है तो जब तक स्टोन रहेंगे वो पेन रहेगा, तो स्टोन के लिए तो मेन सर्जरी है कि कॉलिसिस्टेक्टमी कर देते हैं। बाकी हम पेन मैनेजमेंट के लिए क्या देते हैं, उसको पेन किलर्स देंगे, जैसे एनएसएड्स में डिक्लोफिनेक, एसिलोफिनेक, या जो एंटीस्पाजमोडिक है, एंटीस्पास, सुपर स्पास, मेफ्टाल स्पास, या फिर बस्कोपैन देते हैं, और पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है तो एंटीमेटिक्स दे सकते हैं, जैसे ऑनडेन दे दिया, और फीवर है तो पीसीएम दे दिया। तो यानी जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वही कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, बट द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज सर्जरी, दैट इज कॉलिसिस्टेक्टमी। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा सर्जरी और केसी दोनों में है। तो अगर ये सर्जरी में हमें आता है तो यहां तक तो सेम रहेगा, लेकिन सर्जरी में अगर आता है तो हम इसकी सर्जरी एड कर देते हैं, कॉलिसिस्टेक्टमी भी लिखनी होती है सर्जरी में। और अगर आपको केसी में आता है कि बिलियरी कॉलिक के बारे में, तो ये यहीं तक लिखना है। ठीक है, तो ये एक टॉपिक हो गया हमारा बिलियरी कॉलिक। थैंक यू।